God knows guys, हमारी सक्सेस से चलते हैं गाइस। यस। अल्लाह जाने भाई, आप भी हमारे जैसे बनो, आगे बढ़ो, हम दोनों भाई जैसे। सो फिलहाल के लिए गाइस आज की मॉडिफिकेशन शुरू हो रही है। हल्की खोपड़ी हमारे पास आ चुकी है। ओ गाइस ले लीजिए। Hey guys, welcome back in another new fresh vlog. अगर आप चैनल पर नए हैं तो please and please like share subscribe कर देना। फिलहाल के लिए आज के इस vlog में बहुत ही मजा होने वाला है। जो हमारा पेंडिंग काम था फाइनली आज वो कंप्लीट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं हल्क में मॉडिफिकेशन। हल्क में लाइट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जहाँ पे ट्रेवल करने वाले हैं वहाँ पे अंधेरा होगा। रात के अंधेरे में व्लॉग्स हम बनाएंगे पूरे क्रेजी से, इसलिए बाइक की मॉडिफिकेशन ओके होनी चाहिए। जो भी उसकी फ्रंट लाइट्स है ना, थोड़ी सी कम है, हम ब्राइट लाइट्स लगाएंगे। मोटो व्लॉग्स में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जो ये वाले व्लॉग की सीरीज होगी ना पूरी क्रेजी होगी। पहले हमें जम्मू जाना, बस थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा काम से, देन उसके बाद हम निकलेंगे। हर टाइम जब भी आप राइडिंग करोगे सुपर बाइक को, टायर प्रेशर हमेशा चेक किया करना, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसे बाइक राइड करता होगा बिना टायर प्रेशर के तो बहुत रिस्की होता है। पहले टायर प्रेशर चेक करते हैं, देन करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। कुछ दिन में जम्मू राइड स्टार्ट होने वाली है। आज के इस व्लॉग में हम करेंगे मॉडिफिकेशन 42 ज्यादा मत हो जाए वो ठीक है। आज हम इस पे लगाएंगे फॉग लाइट एंड आगे वाले बल्ब दो भी चेंज करने हैं, ब्राइट वाले लगाएंगे एंड इसके बाद निकलेंगे हम जम्मू की तरफ। बहुत जगह पे रात में भी ट्रैवल करना है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाय द वे ये रहे DSG के ग्लव्स जो कि मैं अब हर रोज राइडिंग पे यूज करता हूँ। तो महंगी होगी। हाँ गैस करो कितने की होगी। 2.5 लाख। 2.5 लाख, उससे थोड़ा सा ऊपर। 3 लाख, उससे थोड़ा सा ऊपर। 4 लाख, उससे थोड़ा सा ऊपर। 5 लाख, उससे थोड़ा सा ऊपर। 10 लाख। अंकल जी का क्रेजी रिएक्शन, बाइक कितनी की है, थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख तक पहुंचा दी। जब भी हम बाइकर अपनी बाइक को भगाते हैं ना, वो एक स्ट्रेट बात होगा जहाँ पे कोई रिस्क का सीन नहीं होगा। जैसे नेशनल हाईवे, वहाँ पे तेज तो चलना पड़ेगा, अगर आप स्लो चलोगे तो पीछे वाला बंदा आपको ठोक के चला जाएगा। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा क्योंकि ग्लव्स में मेरे को समझ नहीं आता है क्या सीन है। कावासाकी जितनी भी बाइक्स है ना, वो आराम से चलाने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। आराम से चलोगे आप, 80-90 पे चलोगे ना, आपको खुद मजा आएगा, बोलेगा यार ये क्या इतना स्लो क्यों चलते हो, ठीक है। ये रेसिंग पर्पज के लिए बनी हुई थी भाई, इसमें इसलिए 200-300 जाती है भाई साहब। इनमें पावर बहुत सारा है, ठीक है, आपसे आराम से चलने वाली नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज की मॉडिफिकेशन शुरू हो रही है। चढ़ाना आप खुद ही भाई, थोड़ा सा हेल्प कर दियो। बिस्मिल्लाह, फाइनली। पहले तो मैंने एक चीज लगाया, शू प्रोटेक्टर, ये वाला ब्लैक स्पॉट, इसकी वजह से नहीं आएगा। हल्क की खोपड़ी खुल रही है, बल्ब्स करते हैं चेंज। जो बंदा ये सोचता है ना कि मैं बाइक परचेज करूंगा इसको आराम से चलाऊंगा, वो चीज भाई सब बहुत खर्चा है इस चीज में, ठीक है। पहले आप ये जो ब्रेक शूज है ना, बहुत महंगे है, पूरा काला सांड। ये चैनल सब्सक्राइब कर देना। हल्की खोपड़ी हमारे पास आ चुकी है और ये अब लग रही है वो स्टैंडर्ड बाइक है ना। पूरा हल्क खुल चुका है, यानी आगे से देख सकते हो विदाउट खोपड़ी हल्क क्या लग रहा है। सो गाइस ये रहे पुराने नाइट आई, देख सकते हो ये दोनों ना खराब हो चुके हैं क्योंकि एक बार मैंने इनको पानी लगाया था, दैट्स व्हाई ये पूरे खराब हो चुके हैं भाई। ये साफ करना है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हल्का सा भी ये टूट गया ना, ये अंदर से टूट गया ना, हल्का सा भी खत्म सारी लाइट। रहने दो भाई, मैं गंदा ही ठीक हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो ये रही कुछ लाइट्स। ओरिजिनलिटी अगर देखा जाए ना, ये बार कोड ओरिजिनल कैसे है, ये स्क्रैच, यहाँ पे कोड निकलेगा, ये जेन्युइनिटी की पहचान, ठीक है। लोकल यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। बाकी गाइस ये देख सकते हो ये रहे आगे के लैंप, मैं आपको खुला के दिखाता हूँ जो की ब्राइट होंगे। अंधेरे में भाई राइड करना है, उसके लिए ये लाइट लगानी जरूरी है, अरे मुर्गे को भी इसी टाइम पे। सो गाइस फिलहाल के लिए हमारे पास अभी ये दो फॉग लाइट्स है, एक ही डबल वाली एंड ये है 4i। मेरे को लग रहा है हम 4i लगाएंगे क्योंकि ये 2 जो आया ये बैटमैन एडिशन, 4 को देखेंगे ट्राई करके एंड 2 भी ट्राई करेंगे। ओ गाइस गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हल्का क्रेजी लुक, जो बैक एंड से क्रेजी लुक आता है ना, सही में कावासाकी बहुत खतरनाक चीजें बनाती है, एग्रेसिव देखो कितनी है। सो फिलहाल के लिए गाइस बहुत सारा टाइम हो गया यहाँ पर, फाइनली जो अपना हल्क है ना पूरा खतरनाक लग रहा है। तो आप लोगों को मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ जो कि है हल्क। तो आप लोगों को मैं इसकी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ जो कि हो चुकी है। पहले ये दोनों फॉग लाइट्स जो कि क्रेजी है, एक वाइट वाला है एंड येलो वाला भी है एंड यहाँ से लाइट भी देख सकते हो आप, पूरे खतरनाक हो चुके हैं। आवाज़ इसकी क्रेजी है, बाकी आप ये स्टिकर देख लो,
गुजरात के लिए गाइस अभी हम निकलते हैं जल्दी से। बाइक हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी रेडी, ये येलो वाली पूरी सही लग रही है ना। सब कुछ मॉडिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को टेंशन नहीं है मॉडिफिकेशन का। बाकी आप लाइट्स चेक कर सकते हो, आगे से पूरी खतरनाक हो चुकी है। क्या खतरनाक लाइट्स है ना, सही में ये चेक मारो